उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अल्प प्रवास पर सतना जिले की धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जिन्होंने चित्रकूट के कामतानाथ धाम पहुंचकर भगवान कामतानाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामगिरी पर्वत परिक्रमा मार्ग से 5 किलोमीटर पैदल चलकर कामतानाथ भगवान की परिक्रमा की। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ चित्रकूट के सैकड़ों की संख्या में साधु संत महात्मा एवं जनप्रतिनिधि सहित आमजन भी परिक्रमा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामतगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जनसभा को संबोधित किया। आमजन को संबोधित करते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी में किसी भी प्रकार का धूम्रपान प्रतिबंधित होना चाहिए। प्लास्टिक से होने वाली हानियों को बताते हुए उन्होंने आमजन, व्यापारियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य नागरिकों से आह्वान किया कि आमजन को प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मानव जीवन में कैंसर को आमंत्रित करती है और शरीर में कई तरह की हानियां पहुंचाती है। इसलिए उन्होंने अपील करते हुए कहा कि धर्म नगरी चित्रकूट में प्लास्टिक पर मजबूती से प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि इस क्रम में पहले चरण में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को एक अभियान और आंदोलन बनाने का कार्यक्रम हुआ। प्लास्टिक के खिलाफ एक महाअभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। ये प्लास्टिक सचमुच रक्त बीज है। आप देखते होंगे जैसे रक्त बीज है, हमने फायदे कम और नुकसान बहुत ज्यादा है। प्लास्टिक के कारण कैंसर की समस्या आ रही है, प्लास्टिक के कारण पर्यावरण की भीषण समस्या पैदा हो रही है। प्लास्टिक जल संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा है और प्लास्टिक वन संरक्षण में भी सबसे बड़ी बाधा है। जो हमारे लिए सुविधा कम और दुविधा ज्यादा हो, उस प्लास्टिक को पूरी तरह मुक्त करने की कार्रवाई का हिस्सा हम सबको बनना होगा और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, समाज के उन संभ्रांत जनों से जो समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि हम प्लास्टिक को पूरी तरह। सतना से उत्तम पांडेय की रिपोर्ट।